हेलो हेलो दोस्तों, आज हम लोग खेलने वाले हैं स्नीकर स्टेक। ओए शिनचान, ये कौन सी गेम है भाई, इसमें क्या होता है? कज़ामाई, इस गेम में हमको जूते बनाने हैं और सीधा मसाओ के मुंह पे मारने हैं। अरे शिनचान, तुम मेरे मुंह पे हमेशा जूते क्यों मारते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मसाओ, वो मजाक रहा है, चलो जल्दी से खेलते हैं इस गेम को। हाँ, और खेलने से पता लगेगा कौन है नो प्रो हैकर। उससे पहले आप लोग बताओ दोस्तों, अगर आप प्रो हो तो लाइक करो, हैकर हो तो सब्सक्राइब करो, गॉड हो तो कमेंट करो, और बाकी नूब लोग तो इग्नोर कर देंगे, जो कि अब बिल्कुल नहीं है। ओए ओए, तेरी बक बक बंद करो, है अभी तू मेरा दिमाग खराब कर रहा। मैंने तो गेम को स्टार्ट भी कर दिया, कज़ामा दा प्रो जूते बनाएगा और यहाँ पे मैंने नाइकी के जूते बना दिए, और अभी जाएंगे आगे। सबसे पहले इनको मैं कलर करूंगा, अरे रेड वाला कलर तो मुझको चाहिए। अरे वाह, पिंक कलर भी करूंगा, पिंकी कलर। अरे वाह, ब्लैक कलर भी, तो ये भी कर ही देते हैं। उसके बाद इनमें लेजर्स डालूंगा, लेजर्स डालने के बाद फिर से रेड कलर करूंगा, जिससे ये जूते और भी ज़्यादा सुंदर होंगे, और उसके बाद पिंक कलर। उसके बाद इनको मैं सेल नहीं करूंगा भाई, अभी तो मैं इनको आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पे ये केकड़े का डिजाइन बना दिया, और आगे क्या करना है? अरे कज़ामा, अभी इनको डिब्बों में पैक करना है। अरे कज़ामा, बिल्कुल सही सा एम करके डिब्बों में पैक कर दो। अरे ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है डिब्बों में पैक करना, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मैंने दो जूते पैक कर दिया। अरे नीचे क्यों फेंक रहे हो, थोड़ा ऊपर फेंको। अरे यार बोच है, मुझे समझ ही नहीं आई इनको पैक कैसे करना था। कज़ामा को तो पैकिंग भी नहीं करनी आती। चलो कज़ामा, अभी मेरी बारी है, मैं तुमको दिखाता हूँ कि जूते को पैक कैसे करते हैं। अरे छी शिनचान, तुम्हारे जूते कितने ज्यादा गंदे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शिनचान, इन जूतों को ड्राई क्लीन करवा लो। देखो तो मैंने यहाँ पे जूतों को बहुत ज्यादा साफ कर दिया है। अब मैं उनके ऊपर पर्पल कलर फेरूंगा, उसके बाद ग्रीन वाला, उसके बाद ब्लू वाला। अरे वो ब्लू वाला नहीं, वो स्काई ब्लू कलर था। ओ यार ये क्या, तूने कैसा बना दिया जूतों को? अरे शिनचान के जूते तो बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अरे वाह, शिनचान ने कितने सुंदर जूते बना दिए। देखो मसाल, अभी मैं तुमको डिब्बों में जूतों को पैक करके दिखाता हूँ। अरे शिनचान, तुझे तो कुछ भी नहीं आता, देखो ये कैसे फेंक रहा है। अरे शिनचान ने तो सारे के सारे जूते फेंक दिए, इसका तो एक भी जूता पैक नहीं हुआ। दो जूते पैक कर दिए शिनचान ने। मैंने भी दो जूते पैक किए। चलो तुम दोनों से तो कुछ खास नहीं हो पाया, लेकिन मैं तुमको दिखाता हूँ कि असली बेस्ट जूते बना के पैक कैसे करते हैं। ठीक है मसाओ, तुम हमको दिखाओ कि ऐसे जूते पैक कैसे करते हैं। अभी मसाओ जूते बनाएगा, सबसे पहले एडिडास की मैं ये लूंगा, उसके बाद ही जूतों को साफ भी करना है। अरे नहीं, मेरे तो सारे के सारे जूते यहीं पे टूट गए। अरे मसाओ, तुझे वहाँ पे नहीं लेके जाना था, उस कटर से तुझे बचना था। चल वो तू दिखा इसको कैसे बचते हैं। कौन सा कटर, कैसा कटर, मुझे तो पता भी नहीं है। चलो सबसे पहले जूतों को ड्राई क्लीन करवाया। अरे मैं बच गया कटर से, अभी तो मैं कटर में ही घुस जाता। अरे बोचन तो क्या ही बचा, इतू सा बच गया, वरना भी बोचन के जूते भी कटर में खराब हो जाते। अरे लो, इसने अगले वाले कटर में सारे जूते खराब कर लिए। यहाँ पे बोचन भी हारते हुए। तुम दोनों से अच्छा तो मेरी और कज़ामा ने खेला। हाँ शिनचान, बिल्कुल सही बोला। चलो दोस्तों अभी मेरी बारी है। कज़ामा अभी उस कटर से क्या बच पाएगा? अरे मैं बोचन और मसाओ की तरह बिना दिमाग वाला। अरे वाह, लो कज़ामा भी आउट हो गया। बड़ा है हम खुद बिना दिमाग वाला बोलने वाला, खुद से तो गेम पे कंसेंट्रेट होता नहीं है। मसाओ, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि इस वाले लेवल को कैसे पार करना है। चलो शिनचान को देखते हैं कि ये कैसे पार करेगा। सबसे पहले हमको इसको साफ करना है, उसके बाद आगे लेके जाना है। देखो मैं कटर से कितना अच्छे तरीके से बचा दोस्तों। अरे शिनचान, तूने तो सारे के सारे जूते साफ कर दिए। अभी तो लगता है कि शिनचान को जूतों की दुकान खोल के देनी चाहिए, ये तो कच्चा धंधा चला लेगा। अरे हाँ, बेचारे शिनचान को जूतों की दुकान खोल के दे दो। अभी मैं गलती से सारे के सारे जूते सेल कर देता। मसाओ, इसमें मैं कैक्टस वाला डिजाइन डाल दिया हूँ। अरे शिनचान, अब इनको पैक करके दिखाओ। इनको तो मैं अच्छे से पैक कर दूंगा, सबसे पहले ऊपर वाले में करूंगा, 100 वाले में। ये तो मिस हो गया, अभी मुझे लगता है मुझे 75 वाले ट्राई करना चाहिए। अरे शिनचान, तुझसे नहीं होगा। ओए ये देखो, फिर से मिस कर दिया। शिनचान लालच बुरी बला है बोलते है ना। हाँ, ये शिनचान ने कितने सारे मिस किए, सिर्फ एक ही पैक किए। अरे भाई साहब, शिनचान ने 100 वाला भी पैक कर दिया। ये मसाल मैंने बोला था ना, मैंने टोटल 3 पैक कर दिया इस बार।
अरे वाह, शिनचैन इस बार काफी अच्छा स्कोर किया। चलो दोस्तों अगले लेवल की ओर। इस बार देखते हैं मसाओ कैसे जूते बनाएगा। अरे दोस्तों इस बार मैं फेल नहीं होने वाला। पिछली बार तो मुझे पता है मैं बहुत गंदा खेला था, लेकिन इस बार मैं अच्छा खेलूंगा। चलो मसाओ देखते हैं कैसा खेलते हो तुम। हाँ हाँ देखो देखो, ये मैंने सारी के सारी जूतों को साफ किया, उसके बाद उनके ऊपर ब्लैक कलर डाल दिया। अभी लेजर्स को भी लगा देता हूँ। अरे मसाओ, यहाँ पे तूने येलो कलर तो फेरा, लेकिन सब पे फेरना था ना। अरे कजामा रुको, अरे मेरे दो जूते सेल हो गए। अरे मसाओ कितने गंदे जूते बनाए, ये तो दिखने में बिल्कुल बेकार लग रही है। हाँ यार मसाओ, तूने बहुत ही ज्यादा बेकार जूते बनाए। चलो इनको ही पैक कर दे। हाँ ठीक है चलो करता हूँ। मेरे जूते इतने बेकार कैसे बन गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे मसाओ तुमसे ना हो पाएगा। अरे देखो मैंने दो जूते पैक कर दिए। चलो चलो थोड़े से और कर देता हूँ, ये तीन हो गई। अभी बस एक जूता बचा है, इसको भी पैक करूंगा, और ये चौथा। अरे वाह, मैंने सबसे ज्यादा जूते पैक किए। हाँ लेकिन तेरे जूते बहुत ही ज्यादा गंदे थे, इसलिए जिनको भी तू पैक करके बेचेगा ना, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। हाँ, और यही वाले जूते वो मसाओ के मुँह पे मार के जाएंगी, वो भी दुकान में खुद आकर। बेचारा मसाओ, अब मेरी बारी, देखो भोजन क्या करेगा। अरे भोजन तुमको नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा अच्छे जूते नहीं बना सकते। वैसे भी मैंने सबसे ज्यादा जूते पैक किए थे। मसाओ लेकिन तुम्हारे जूते दिखने में बहुत ज्यादा गंदे थे। अरे मैं तो दोबारा आउट हो गया। अरे भोजन, मुझे लगता है कि आज तेरा दिन नहीं है, तुझसे ना बन पाएंगे जूते। चल शिनचैन तेरी बारी है, तू बना। कज़ा मैं सबसे पहले तुम बना, तुम्हारी बाद मैं बनाऊंगा। अच्छा ठीक है चलो फिर दोस्तों, अभी मैं सबसे ज्यादा जूते पैक करके बेचूंगा। अरे कजामा ये देखो रेड कलर आ चुका है। अरे मसाओ बताने की जरूरत नहीं, मैंने रेड कलर लगा लिया और एडिडास की कंपनी में जूतों को डाला। अरे कजामा अभी तुमने कटर में एक जूता बर्बाद कर दिया। अरे कोई बात नहीं, इतने जूते तो होते रहते हैं। ये मैंने लेजर्स को डाला, उसके बाद फिर से रेड कलर, और अभी पिंकी कलर डालना है। अभी कौन सा दोनों डिजाइन डाल दूं क्या? ये दे दोनों को डाल दिया मैंने आधे आधे जूतों में। ओए गलती से सेल करने जा रहा था मैं। कजामे के जूते अगर सेल हो जाते तो मजा ही आ जाता। काश कजामे भी जूतों के साथ ही सेल हो जाते। चुप रहा है, रुक इधर, अभी देख तू मैं कैसे पैक करता हूँ। अरे वाह कजामे से एक भी पैक नहीं हो रहा। अरे ये देख मैंने एक पैक कर दिया, और ये दूसरा पैक, और रुक रुक ये तीसरा पैक, और करूंगा। ओ यार ये तो मिस हो गया, नीचे से करता हूँ, और ये चौथा पैक। ओ भाई मैंने भी चार जूते पैक किए, और मेरे जूते की क्वालिटी तो मसाओ के जूते से बहुत ज्यादा अच्छी थी। हाँ कजामा इस बार तो मानना पड़ेगा, तुम काफी अच्छा खेले। अरे मसाओ देखा ना तुझको हरा दिया। अरे कोई बात नहीं कजामा, अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आया है, चड्डी लेके जाएगा। अरे वाह वाह मसाओ, क्या गाना गाया, क्या गाना गाया। अभी देखो तुम्हारे शिनचैन हुआरा कैसे बनाएगा सुंदर सुंदर जूते। सबसे पहले इनमें कलर डालना पड़ेगा। शिनचैन तुम्हारे जूतों से बदबू आ रही है, इनको जल्दी से धो। भोजन में कैसे दूं, यहाँ पे तो शॉवर आ ही नहीं रहा। अरे ये आ गया शॉवर। अरे इसने कितने सारे जूते सेल कर दिए। मेरे पास तो दो ही जूते बचे हैं, इनको भी पैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अरे शिनचैन ये ले गंदे जूते भी हैं तेरे पास, कुछ वही गंदे जूते पैक कर दे। उन गंदे जूतों को पैक करके बेच दियो, तेरे को 2-3 रुपए तो मिल ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला। चलो यहाँ पे शिनचैन ने एक जूता पैक किया, बाकी तो बस फेंके जा रहा है। ये मेरा दूसरा जूता पैक ही नहीं हुआ। अरे शिनचैन छी छी छी, तुमने कितना गंदा काम किया। चलो अब मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब मेरी बारी है। ठीक है मसाओ, अब तुम्हें देखते हैं कि तुम 4 से ज्यादा जूते पैक करके बेच पाते हो या फिर नहीं। और यहाँ पे मसाओ दोबारा से लग चुका है मेहनत करने और अपने जूतों को सुंदर बनाने में, लेकिन मुझे पता है कि मसाओ मुझसे ज्यादा अच्छा काम तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बेटर काम तो मैं ही करता हूँ, है ना दोस्तों। अगर आपको लगता है तो कमेंट में जरूर लिखना। कजामा दा प्रो। कजामा इतने सपने तुम कैसे दिख लेते हो। अरे मैं तो हार गया दोस्त, मेरे जूते उसके अंदर टकरा गए। मसाओ तुम फिर से हार गए मसाओ। चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ अभी, इस बार मैं बहुत अच्छा खेलूंगा, इस बार मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। बच्चे ने तब से एक जूता भी पैक नहीं किया, क्या बच्चे इस वाले जूते को पैक कर पाएगा, चलो देखते हैं। अरे डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ बोचैन, जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने पत्थरों की भी नहीं सुनता। अरे बोचैन तुम तो पत्थर दिलो, क्या ही पत्थरों की सुनोगे। अरे ये क्या, बोचैन ने कितने अच्छे जूते बना दिए, अब दोनों डिजाइन डाल दिए इसमें। ये डाल दिया मैंने दोनों डिजाइन, और देखो बोचैन के बेस्ट जूते, अब इनको मैं पैक करूंगा। अरे वाह बोचैन तुमने तो बहुत ही ज्यादा अच्छे जूते बना दिए, ये एक पैक
और ये, अरे यार हुआ नहीं, ये दूसरा पैक, उसके बाद तीसरा पैक, उसके बाद ये चौथा पैक नहीं हुआ, और ये हो गया चौथा, अरे नहीं हुआ। अरे बोचे तुम भी 3 से ज्यादा पैक नहीं कर पाओगे। यार मैं तो हार गया। अरे वाह, बोचन भी 3 से ज्यादा पैक ही नहीं कर पाया। चल कोई बात नहीं बोचन, लेकिन इस बार तूने अच्छा ट्राई किया और अच्छे जूते बनाए। हाँ बिल्कुल सही बोले तुम कजामा। अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा मजा आया जूते बनाने में और खाने में। दोस्तों अगर आपको भी मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को बाय बाय।